भंडारी, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज आपसे इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे जो कलकत्ता में हमारी एक बहन के साथ, बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। उसके लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है कि एक नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन हैज़ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स अगर सरकार अब भी ना जागे और इन चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन ना करे। तो यही सोच के हमने अभी शुरुआत के लिए परसों शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है और कल हमारा प्रोटेस्ट डे रहेगा। कल शाम को हम इंडिया गेट पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। संडे शाम को 4:30 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि 100 वर्ष से पुराना प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है, एक प्रतीक है महिला शक्ति का, मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, वहाँ पे उसके मेन गेट से हम इकट्ठे होके जंतर मंतर जो एक सिंबॉलिक है पार्लियामेंट का, उसकी तरफ हम मार्च करेंगे और अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आखिर जनता का ही मुद्दा है। एक बेटी का देश के अंदर ऑन ड्यूटी पब्लिक सेवा में लगे होने पे और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा दुष्कर्म हो जाना, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। तो जो हो गया है उसके बाद आगे ना हो और इसमें प्रिवेंटिव करेक्टिव मेजर लिए जाएं, यही हमारी एक डिमांड है, उसके तरफ ही हम सब बात कर रहे हैं। मोटे तौर पर डॉक्टर्स ने एक आक्रोश था इस बिटिया के प्रति, जो जिस तरह का उन्होंने संवेदनहीन उन्होंने काम कराया, क्रिमिनल्स ने, ये क्रिमिनल एक्ट था जिसको कि ये पॉलिटिकल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में ना पढ़ के हमारे को इसको, ए पॉलिटिकल मूवमेंट है ये, इसकी डॉक्टर्स की इज्जत का सवाल है। और जो एक बिटिया जिसके साथ रेप हुआ उसके बाद उसका मर्डर हुआ, एक बड़ा ही शर्मनाक बात है। इसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरह से इसमें उस बच्ची के साथ है, उस बच्ची के पेरेंट्स के साथ है, एक मेडिकल एसोसिएशन के साथ है। इसके लिए जो हम कल 5 बजे शाम को लेडी हार्डिंग जो इंडिया गेट पे कैंडल मार्च का आयोजन है, जिसमें कि हमारे जो फोल्डा इसको आयोजित कर रहा है उसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और आम जन डॉक्टर्स भी उसमें शामिल होंगे। प्लस जो परसों 17 तारीख को सवेरे 6 बजे से अगले दिन सवेरे 6 बजे तक के लिए 24 घंटे का एक मेडिकल बंद रखा गया है, जिसके अंदर ओपीडी सर्विसेज को कंप्लीट बंद करा जाएगा, प्लस सिर्फ एक इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ा गया है। ओपीडी सर्विसेज में चाहे वो क्लिनिक्स हैं, चाहे वो लैब्स हैं, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, इन सबको शामिल करा जाएगा, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अस्पताल को भी। और जो रेजिडेंट डॉक्टर का जो मूवमेंट है, इसको हम रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैं इसको, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर को एक वर्किंग कंडीशन उनको नहीं मिल रही। यहाँ पर एक बच्चे को जो डॉक्टर्स को एक 36-38 घंटे काम करा जाता है, उसके बाद उनको परेशानी होती है, रेप करा जाता है, मर्डर करा जाता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और इसको जब तक हम आखिरी अंजाम तक, अभी हमने सिर्फ ओपीडी सर्विस करी हैं, आगे आने वाले टाइम पे इसमें इमरजेंसी सर्विस को इसमें शामिल करा जाएगा इसमें, ताकि एक, क्योंकि परसों के लिए तो सिर्फ हमने जो इमरजेंसी ऑपरेशन है, इमरजेंसी सर्विस है, क्योंकि पब्लिक को कष्ट हो, पब्लिक को उसका ध्यान में रखते हुए सिर्फ ओपीडी सर्विस को लिखा गया, लेकिन अगले चरण में ये हमारा इमरजेंसी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होंगी, जिसके अंतर्गत जो खाली ऑपरेशन इमरजेंसी सर्विस भी सारी बंद हो जाएंगी इसको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।